नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हमारी किचन में। कैसे हैं आप सब? आज अगर आप भी इस ट्रिक को जान लेंगे तो डेफिनेटली आपके पराठे भी बहुत ज्यादा फूले हुए बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। कैसे बनाने हैं गोभी के पराठे, तो चलिए इसके लिए चलना पड़ेगा हमें किचन में। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपी इतनी ही बढ़िया लगे, इतने पराठे जबरदस्त लगे, तो उसके लिए लाइक तो बनता ही है ना, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दूसरा काम, अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड सर्कल और अपने सोशल मीडिया अकाउंट में जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। गोभी का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गोभी। गोभी का डंडल आप कट कर लीजिए। कट करने के बाद उसको आप छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद अपन को अच्छे से देख लीजिए इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। उसके बाद एक बाउल में गर्म पानी लीजिए और गर्म पानी में इसको 2 से 3 मिनट तक भिगो कर रख दीजिए। इससे क्या होगा, जितने भी उसके बैक्टीरियाज होते हैं वो गर्म पानी से खत्म हो जाते हैं। इस तरह से मैं सारी गोभी को पानी में भिगो दूंगी। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं अपनी सारी गोभी को अच्छे से कद्दूकस कर लूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी गोभी अच्छे से कद्दूकस हो गई है। अब क्या करना है, हमें एक कढ़ाई लेनी है, उसमें डालना है देसी घी। आप चाहें तो कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट देसी घी इस्तेमाल ना किया तो क्या फायदा पराठे खाने का। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। गर्म होने के बाद उसमें ऐड कर दूंगी गोभी। गोभी को हम हल्का सा फ्राई करेंगे जिससे उसका जो पानी होता है वो सूख जाता है और पराठे बहुत बढ़िया बनते हैं। क्योंकि अगर ऐसी गोभी के आप पराठे बनाएंगे तो वो गीले से हो जाते हैं, चिपक से जाते हैं, वो मजेदार नहीं लगते। अगर आप उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ना तो बहुत जबरदस्त पराठा बनेगा, क्योंकि उसका पानी सूख चुका होगा और वैसे भी गोभी रोस्ट होने के बाद बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगी। अब इसमें आप स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लीजिए, रेड चिली पाउडर। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, डालना चाहें या ना डालना चाहें। कटी हुई हरी मिर्च डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी। आप चाहे तो हल्दी स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे हल्दी वाले पराठे जो होते हैं उसका दिखने में बहुत जबरदस्त लगते हैं, इसलिए मैं यहाँ हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्दी मिक्स करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 2 से 3 मिनट तक इसको चलाते रहिए। चलाने के बाद आप देखेंगे 2 से 3 मिनट इसका जो जितना भी पानी था वो अच्छे से सूख चुका है और गोभी बहुत अच्छे से थोड़ी सी रोस्ट हो गई है, जो बहुत अच्छी खुशबू भी दे रही है। अब इसमें हम फ्रेश धनिया ऐड कर देंगे। फ्रेश धनिया ऐड करके आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसको 2 से 3 मिनट और पकाइए। यहाँ पर हमारा गोभी मिक्सचर रेडी है। और अब हम क्या करेंगे, आटा लेंगे। यहाँ पे मैंने आटा ऑलरेडी ले लिया था, गूंद लिया था। उसकी मैं छोटी सी लोई लूंगी और उसमें धूड़ा लगाकर उसको बेलूंगी। आप देख सकते हैं पहले आपने इससे ज्यादा चौड़ी नहीं करनी रोटी, इतनी ही आप साइज की रोटी रखिए। उसके ऊपर देसी घी लगा लीजिए जिससे कि स्टफिंग जो है नीचे चिपकेगी नहीं आटे में और बहुत अच्छा टेस्ट देगी। अपने अकॉर्डिंग आपको जितना स्टफ करना है पराठा उतनी स्टफिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं और चारों तरफ से आप इस तरीके से उसको लॉक कर दीजिए ताकि आपका जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकले और पराठा बहुत ही स्वादिष्ट बने। और आप इस तरीके से इसको हाथों से चारों तरफ से बिठाकर इसको बेलना शुरू कर दीजिए। जहां से आपने इसको लॉक किया था वो वाली साइड इसके ऊपर रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको नीचे दबाएंगे तो फटनी शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे करते हुए लंबाई में आप इसको फैलाते जाइए और बेलते जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसको हम सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है नॉनस्टिक पैन, उसको अच्छे से घी लगा लिया है चारों तरफ। अब मैं पराठा इसके ऊपर डाल लूंगी। अब ये एक साइड से थोड़ा पक चुका है, मैं इसको पलट लूंगी। पलटने के बाद इसकी दूसरी तरफ भी घी लगा लूंगी ताकि ये चारों तरफ से बहुत अच्छा सेक जाए और करारा हो जाए। आप इस तरीके से दोनों तरफ घी लगाते जाइए और उसको अपने अकॉर्डिंग सेकते जाइए। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ये करारा होता जा रहा है और देसी घी के साथ तो उसका मजा ही कुछ और है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से बहुत अच्छे से पक चुका है। 2 से 3 मिनट में इसको और पकाऊंगी और उसके बाद यहाँ पे हमारा टेस्टी पराठा रेडी है। और आप देख सकते हैं कि अंदर से भी कितनी अच्छी इसकी स्टफिंग लग रही है। आप इसको एंजॉय करें चटनी के साथ, चाय के साथ या दही के साथ। तो मैं तो चली इसको खाने, आप भी इसको एंजॉय करिएगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आप लोगों ने किसने ट्राई किया वो जरूर कमेंट करिएगा। ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहे, मैं हमेशा आपके लिए कुछ नया और बेहतर लाती रहूंगी, आपकी जीभ का स्वाद बरकरार रखूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपीज के साथ। गुड लक।